नमस्कार फ्रेंड, शोभा की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये बेबी बॉय का कुर्ता, इसकी कटिंग और ड्राफ्टिंग मैं बताने वाली हूँ। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। लंबाई मुझे 15 चाहिए, 15 और 1 16 इंच हम लोग इसकी लंबाई ले रहे हैं। कंधे का आधा यहाँ से लेंगे हम लोग 5 इंच। एक साल के बच्चे का है इसीलिए कंधे 10 होंगे, तो 10 का आधा 5। यहाँ से भी हम लोग लेंगे 5 इंच। यहाँ से लेंगे सीने का 1/4 प्लस 2, 5 और 2 7 इंच, 20 इंच सीना सफिशेंट होता है। ये हमारी शोल्डर की कटिंग आ जाएगी फ्रेंड। छोटे बच्चे का है इसीलिए हम लोग इसमें आगे की कटिंग नहीं करेंगे। ये 2 इंच गले की चौड़ाई और 2 इंच ही लंबाई लेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें हम लोग बना कुर्ता रहे हैं लेकिन राउंड शेप में नेक पे बनाएंगे और बैक पोर्शन का सिर्फ आधे इंच का गला कटिंग होगा। मैं फ्रेंड्स की कटिंग करते हैं अपन, ये इस तरीके से। शोल्डर के आगे की कटिंग हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल छोटे बच्चे का है ये। और ये हमारे शोल्डर के आधे इंच की कटिंग करके एक पोर्शन हम लोग ये अलग कर देंगे इसका। ये हमारा बैक पोर्शन हो गया और ये हमारा फ्रंट। फ्रंट में हम लोग ये गोल गला काट लेंगे हम छोटा सा, और इसमें हम लोग आगे बटन के लिए पट्टी लगाएंगे। वो पट्टी हम लोग 5 इंच की काट सकते हैं इसको, ये यहाँ से 5 इंच की यहाँ तक कट हो जाएगा इसमें। ये फ्रंट का पार्ट हो गया, ये हमारा बैक पोर्शन हो गया और इसमें हम लोग स्लीव्स बना देंगे। हम लोग स्लीव्स की जो हम लोग लंबाई लेंगे, ये लंबाई चाहिए 10 और 1 11 इंच। फ्रेंड्स इसकी फ्रंट और बैक की हमने कटिंग करी है, जिसमें आपको ड्राफ्टिंग बताई उस हिसाब से आप इसकी कीजिए। और इसकी स्लीव्स की जो कटिंग है वो नॉर्मल जो हम लोग स्लीव्स अपने सूट में लगाते हैं वैसे ही कटिंग होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसका मैंने जो पहले वीडियो बना रखा है डिस्क्रिप्शन में, मैं उसका लिंक जरूर दे दूँगी। फ्रेंड्स आप इसकी कटिंग कीजिए। और इसको स्टिच करने के लिए इसका नेक कैसे बनाना है बिना कॉलर वाले कुर्ते का, और ये जो पट्टी है हम लोगों को किस प्रकार लगानी है आगे बटन पट्टी जो जेंट्स कुर्तों में लगती है, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। इसीलिए आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस तरह आप हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सिलाई सीखते रहिए। धन्यवाद।